आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी मानी जाती है। इसी देश में दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा मिला है जो कि 5000 साल पुराना है। आज जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो भी इसी देश का देन है। ये पूरा रहस्यों से भरा देश है। शायद आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर चलिए इजिप्ट। सबसे पहले आपको बता दे कि इजिप्ट का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। देश की कुल आबादी है 10 करोड़ के आसपास। इजिप्ट में 43% लोग शहर में रहते हैं, तो वही 57% की आबादी गांव में रहना पसंद करते हैं। देश की आबादी में से 90% सुन्नी मुस्लिम है और बाकी बचे 10% ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो वही एक हिस्सा एशिया में भी आता है। इजिप्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सबसे अधिक जनसंख्या वाला इस्लामिक देशों में से ये एक है। इसका अधिकतर हिस्सा नाइल नदी के किनारे वाले हिस्से में पड़ता है, जिसके दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इजिप्ट की राजधानी है कैरो, जो दुनिया में सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। कैरो एक बहुत ही घनी आबादी वाले शहर है और साथ ही इसे इजिप्ट की संस्कृति और राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। कैरो शहर इजिप्ट के इकोनॉमिक सेंटर है। सातों दिन और 2400 घंटे खुला रहता है ये शहर और यहाँ के बाजारों में खास भीड़ रहती है। कैरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज में डिनर का इंतजाम लाजवाब है। अगर कभी आप इजिप्ट जाओ तो इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। यहाँ के सबसे बड़ी मस्जिद सईदना अल हुसैन बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ इजिप्ट की इतिहास से जुड़े 7 समान है। म्यूजिक में एक साथ इजिप्ट की 250,000 प्राचीन कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है। इजिप्ट के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, वो इजिप्ट देश ही था जिन्होंने साल में 365 दिन के कैलेंडर को बनवाया था। आज जो हम महीनों का हिसाब करते हैं, साल के एक एक दिन को गिनते हैं, वो सब इजिप्ट के लोगों को ही देन है। दरअसल सदियों पहले यहाँ के नाइल नदी में बाढ़ का खतरा हमेशा रहता था। इसी को एक निर्धारित समय सीमा में बांधने के लिए यहाँ के लोगों ने कैलेंडर का आविष्कार किया, ताकि इन्हें पता चल जाए कि साल में कितने दिन और किस महीने में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। और आज हम सब उसी कैलेंडर को मानते हैं। इजिप्ट में दो ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में पड़ती है, तो वही ठंड जो कि नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम नहीं होता। क्या आपको पता है कि शादी में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत भी इजिप्ट देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में यही दुनिया का रिवाज बन गया। दोस्तों, हम आज जो परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इजिप्ट देश की देन है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने ही कई साल पहले अपने आप को ताज़ा महसूस कराने के लिए एक परफ्यूम का आविष्कार किया था। इजिप्ट देश के लोग 2000 से ज्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। यहाँ पर हर शहर के अपने देवी देवता हैं और यहाँ पर हर मौसम के अपने देवी देवता। यहाँ पर हर त्योहार के लिए अलग ईश्वर की पूजा की जाती है। मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं और उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड है। इजिप्ट के लोगों के बीच में भी राइस खाने का बहुत शौक है। ये दिन में एक बार तो राइस खाते ही खाते हैं। इनका मानना है कि राइस आपको तुरंत ताकत देती है। वैसे यहाँ सबसे पसंदीदा खाना भी राइस, मसूर की दाल और मैक्रोनी को एक साथ बनाया जाने वाला कोशारी है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो सब जानते ही हैं। यहाँ एक ऐसी अद्वितीय और यादगार जगह है जहाँ हर किसी को छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए। गीसा के ग्रेट पिरामिड और दी ग्रेट स्पिंस, जो कि दुनिया के चमत्कारों में से एक है। दोस्तों, इजिप्ट में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है।